में उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती आज अग्रिम जमानत की याचिका दे सकती हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है और बिहार पुलिस की एक टीम इस समय मुंबई में है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की टीम रिया और उनके घर वालों से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ी तो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। इसी मामले में कानूनी सलाह के लिए बीती रात रिया ने अपने वकील से करीब 3 घंटे बातचीत की। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, मुंबई से विवेक और आशीष। विवेक रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे पहले बातचीत करते हैं। विवेक, रिया को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है, यही वजह है कि वो अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर सकती हैं? बिल्कुल सीखा जसप्रीत, आपने देखिए इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने बकायदा एफआईआर दर्ज की है और ये नामजद एफआईआर यानी कि उस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया गया है और अबेटमेंट का। और इस पूरे मामले में जो शिकायत करता है वो कोई और नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी हैं और उन्होंने ही बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। जैसे कि उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए एक साल में निकाले गए थे। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट छुपाने के लिए उन्हें धमकी देती थी, उन्हें ब्लैकमेल करती थी। तो इसी के आधार पर पटना पुलिस ने बाकायदा नामजद एफआईआर दर्ज की है और उसी की जांच के लिए पटना पुलिस के तकरीबन 4 पुलिस अधिकारी मुंबई पहुंचे हैं। अगर हम आपको रिया चक्रवर्ती का घर दिखाना चाहें कि मुंबई की जुहू इलाके में जो आप देख रहे हैं कि प्राइम रोज अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट में रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं और देर रात जो रिया चक्रवर्ती की वकील थी वो यहाँ पर मौजूद थी और जो भी लीगल एस्पेक्ट है वो डिस्कस कर रही थी। और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो बिहार पुलिस के जो 4 अधिकारी आए हैं वो मुंबई पुलिस की सहायता से यहाँ पर फिर से आ सकते हैं, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकते हैं। गिरफ्तारी का डर इतना ज़्यादा है कि रिया चक्रवर्ती अब प्लान कर रही है कि वो ABA यानी कि एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकें ताकि वो गिरफ्तारी से बच सकें। जसप्रीत, बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आप दोनों के पास लौटेंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। इस शिकायत में सुशांत के पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को लिखित में दी गई शिकायत में उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और सैमिन मिरंडा को आरोपी बनाया है। इन लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने, धोखाधड़ी, बेमानी और बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने साजिश के तहत सुशांत के साथ जान पहचान बढ़ाई और फिर उसे धोखा दे दिया। सुशांत के पिता की माने तो आत्महत्या से पहले 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से कैश, जेवरात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और उसके पासवर्ड लेकर चली गई थी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में लीक करने और करियर खराब करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। इसके अलावा सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों ने सुशांत को दिमागी तौर पर पागल घोषित करने की भी साजिश रची थी। सुशांत के पिता का यह भी दावा है कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए भी निकाले गए थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में परिवार से शिकायत मिलने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ प्यार में फंसाकर धोखा देने, आत्महत्या के लिए उकसाने और सुशांत के अकाउंट से बड़ी रकम निकालने की शिकायत करते हुए FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज करने के बाद बिहार पुलिस के 4 सदस्यों की टीम मुंबई में है। सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पर किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले बिहार पुलिस की टीम ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर महिला कांस्टेबल देने की मांग की है। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें आज सुबह आने को कहा था। इस बीच बिहार पुलिस की टीम ने बिहार से भी कुछ महिला कांस्टेबल को मुंबई बुलाया है। FIR में धोखाधड़ी का है, सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से, तो वो सारा जांच का इशू है। पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विवेक और आशीष। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, सुशांत के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हो चुकी है, जो बिहार पुलिस की टीम मुंबई में मौजूद है। क्या रिया के परिजनों से भी पूछताछ हो सकती है? कब तक ये पूछताछ संभव है? जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कल जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जो है बिहार पुलिस की टीम आई हुई थी और उसने जो है असिस्टेंस, लोकल असिस्टेंस मांगा था, यानी कि साफ तौर पे महिला कांस्टेबल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगी थी, जिसके बाद आज उन्हें वापस तकरीबन 10 बजे के करीब बिहार पुलिस की टीम यहां पर पहुंचेगी और इसके बाद
यहां से सीधे जो जानकारी उभर कर सामने आई है सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक सीधे कोटक महिंद्रा के उस बैंक में जाएगी जहां से जो है ये पूरे ट्रांजेक्शंस की लिस्ट खंगाली जा सके, जानकारियां आधिकारिक तौर पे निकाली जा सके और मुंबई पुलिस को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे अहम जानकारी है कि बिहार पुलिस इस मामले में आज उनकी बहन जो मुंबई के मलाड इलाके में रहती हैं उनसे भी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज करेगी और इस लीगल प्रोसीडिंग के बीच में ही रिया चक्रवर्ती दूसरी तरफ एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर सता रहा है और साथ ही साथ बिहार पुलिस ने दो महिला कांस्टेबल्स को जो है असिस्ट करने के लिए मुंबई बुलाया हुआ है, तो ऐसे में गिरफ्तारी के डर की वजह से एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी में है रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल, तो आशीष और विवेक आप दोनों नजर बनाए रखिए, हम वापस आपके पास लौटेंगे। दरअसल बिहार पुलिस ने सुशांत राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की अलग से जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जो कुछ भी अभी चल रहा है, जिस प्रकार से इस केस को महाराष्ट्र में दबाने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का दर्द महाराष्ट्र सरकार समझे और इसमें उच्च स्तरीय जांच करे, सीबीआई जांच की संस्तुति करे, यह हम आज भी मांग करते हैं। बात करते हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से। चिराग जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आपकी बातचीत हुई है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप लगातार सीबीआई जांच की मांग पहले भी करते रहे हैं, क्या आपने बात की है उनसे? देखिए, कल देर रात मेरी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बात हुई और निरंतर, क्योंकि हम लोगों को भी बिहार के ही लोग नहीं बल्कि देश भर के जितने युवा हैं और जितने फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के, तमाम लोगों की तरफ से निरंतर ये बात की जा रही है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस विषय को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से कल रात मैंने बात की और उनके समक्ष मैंने बिहार वासियों की बातों को रखा कि किस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ बिहार के ही लोग चाह रहे हैं बल्कि उनके फैंस भी चाह रहे हैं, बल्कि परिवार के भी लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं कि जांच सही ढंग से हो रही है कि नहीं। बहरहाल, इन तमाम बातों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो जांच चल रही है अभी वो सही चल रही है। बोलिविया के कोचा बाम्बा में जेल में तीन कैदियों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि तीनों कैदी कोरोना से संक्रमित थे और इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जेल में बंद बाकी कैदियों का गुस्सा भड़का, वो जेल की छत पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में लकड़ियां ले रखी थी जिन्हें वो गुस्से में टिन की बनी छत पर जोर जोर से मार रहे थे। प्रदर्शन के समय कैदी बोलिविया का झंडा और कई स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग के नारे लिखे पोस्टर भी पकड़े रहे, जबकि कई कैदी जेल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने के लिए काले झंडे लहराते दिखे। इतना ही नहीं, कुछ कैदियों ने गत्ते से बने ताबूतों को भी पकड़ा हुआ। कैदियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जेल में कोई डॉक्टर नहीं है और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें अस्पताल भी नहीं ले जाया जाता। हिमाचल के कांगड़ा में पानी के तेज बहाव में फंसे एक बुजुर्ग को बचा लिया गया। हिमाचल के कांगड़ा में एक नाले में अचानक बाढ़ आने से एक बुजुर्ग पानी की लहरों के बीच फंस गए, जिन्हें लोगों की मदद से बचा लिया गया। एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने बाढ़ और कोरोना के मुद्दे पर बिहार सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। तीन साल पहले जो बिहावा तस्वीरें हम लोगों ने बाढ़ की देखी थी वो आज भी देखते हैं, तस्वीरें बदली नहीं है, क्यों नहीं बदली ये एक जरूर चिंता का विषय है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 75 लाख रुपए की नशीली दवाइयों के साथ चार विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में एक तीन मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। बताया गया कि इस इमारत के पास ही मकान बनाने के लिए खुदाई की गई थी, जिसकी वजह से ये इमारत ढह गई। यूपी के कौशाम्बी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सात चोरों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 7,700 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में राज्य में 282 लोगों की मौत हो गई।
इराक में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहां पिछले साल अक्टूबर से ही रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। लोगों ने सड़कों को बंद कर दिया और आगजनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों के तंबुओं में आग लगा दी गई। जान बचाकर भाग रहे लोगों पर गोलियां दागे जाने का भी आरोप लगाया गया। गोलीबारी के बाद वहां भगदड़ मच गई। दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। हालांकि सुरक्षा बल की इस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे और उन्होंने बदलावों की मांग के साथ विरोध जारी रखा। वायुसेना का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन में से एक राफाल आज भारत पहुंच रहे हैं। फ्रांस से चले 5 राफाल लड़ाकू विमान इस समय अबू धाबी में हैं और आज वहां से अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना होंगे। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं जिसमें से पहली खेप में 5 विमान आज भारत पहुँच रहे हैं। हालांकि राफाल विमानों के स्वागत के लिए किसी आधिकारिक कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया गया है लेकिन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया खुद अंबाला में इन विमानों का स्वागत करेंगे। साल 2021 के आखिर तक फ्रांस से सभी 36 राफाल विमान भारत को मिल जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि 15 से 17 भारतीय पायलट राफाल उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं जबकि कुल 30 पायलट की ट्रेनिंग होनी है। हरियाणा के अंबाला में राफाल लड़ाकू विमानों के पहुंचने से पहले वहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। फ्रांस से 5 राफाल विमान आज अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। राफाल के पहुंचने से पहले ही अंबाला के 4 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई। प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए राफाल विमानों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। खासतौर पर एयरफोर्स स्टेशन के करीब वाले गांवों को सख्त हिदायत दी गई कि वहां के लोग राफाल विमानों की तस्वीरें ना खींचें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लोगों के आने जाने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है और लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए इस बात की सूचना भी दी गई। आप अपनी छतों पर बिना मतलब नहीं घूमेंगे, ना ही ऊपर चढ़कर वीडियो बनाएंगे और ना ही फोटोग्राफी करेंगे, ना ही किसी और को चढ़ने देंगे। यदि ऐसा करता कोई पाया गया, नियमों के उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पे नाकाबंदी करेंगे और यहाँ पे जो फोटोग्राफी जो आसपास के जो गांव हैं जैसे जोखड़ा गांव, गरनाला, धूलकोट, तो यहाँ के गांव में लोगों को उत्साह होता है कि यहाँ पे जब राफेल आ रहे हैं तो कोई कोशिश करेगा फोटोग्राफी करने की, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है तो इसमें कोई भी चूक ना हो तो इसमें सारी ड्यूटीज़ जो हैं जो आसपास की जो हाई रेंज बिल्डिंग हो गई, जो फ्लाई ओवर हो गया और जो कि नाकाबंदी हो जहाँ से कोई भी आदमी या कोई वाहन जो क्रॉस ना हो सके, तो इसी उसके ऊपर जो है दिशा निर्देश दिए हैं जिसको इन्फोर्समेंट हम चालू जो लागू करेंगे। राम मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में PM के शामिल होने पर सवाल उठाए। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया कि PM के ऐसा करने से उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसके बाद BJP ने उन पर पलटवार किया। राम मंदिर को लेके वो किसी न किसी रूप से विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं। BJP नेता रामेश्वर चौरसिया ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और सुशांत मौत मामले की CBI से जांच करवाने की मांग की। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ माफिया तंत्र, कुछ लोगों का हाथ है, दबंग लोगों का हाथ है, तो दबंग लोगों के चलते अगर कोई सुसाइड भी करता है तभी इसकी जाँच होनी चाहिए। राफाल के भारत पहुंचने से पहले अंबाला एयरबेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई। 5 राफाल लड़ाकू विमान दोपहर बाद अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। पंजाब के गुरदासपुर के एक लड़के की कनाडा में झील में डूबने से मौत हो गई। ये लड़का अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए झील के पास गया था, तभी 3 लड़के झील में डूबने लगे। इनमें 2 लड़कों को तो बचा लिया गया लेकिन गुरदासपुर के मनप्रीत सिंह की मौत हो गई। मनप्रीत के परिवार वालों ने केंद्र और राज्य सरकार से उसका शव भारत लाने की अपील की। इंडिया गवर्नमेंट तो यही मांग करते हैं कि हाजी जेडी मुंडे दी डेड बॉडी है जल्दी से जल्दी भिजाई। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया।
चमोली जिले में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई जिससे हाईवे ही बंद हो गया, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरते हुए दिखा। पहाड़ खिसकने की इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को दहशत से भर दिया। जो जहां था वहीं रुक गया। कुछ गाड़ियां जो हादसे वाली जगह से करीब खड़ी थी वो पीछे हटती दिखी। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानों की गिरने का सिलसिला इसी तरह कई घंटों तक चलता रहा। कई बार तो बड़ी चट्टानों की गिरने से धूल का गुबार उठता दिखा। वहीं पहाड़ का मलबा गिरने से बद्रीनाथ की ओर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और दोनों तरफ कई गाड़ियां भी फंस गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर हालात बिगड़ गए। बारिश की वजह से कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई जबकि कुछ नदियां भी उफान पर आ गईं। और उन्हीं में एक गोरी नदी का पानी तो किनारों को तोड़ता हुआ पास बने गांवों में घुस गया। नदी के रौद्र रूप को देखकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए जबकि कुछ ने अपनी जरूरत का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। बताया गया कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी में वहां के कई मकान डूब गए। गोरी नदी का तेज बहाव बंगपानी तहसील में मदकोट को जोड़ने वाले पुल को भी बहा कर ले गया। साथ ही कई छोटे पुल भी नदी में डूब गए। बताया गया कि इन पुलों के टूटने से बंगापानी का बाकी इलाकों से संपर्क कट गया और बचाव दल के सामने भी उन इलाकों तक पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई। ये जो गांव वाले जो है पूरे दहशत में है, देखिए पूरी नदी जो ऐसी होती है। बांगापानी के अलावा बारिश ने मुनस्यारी के कुछ इलाकों में भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहां बारिश की वजह से कई मकान टूट गए और कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। खुफिया एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश का पता चला, जिसके बाद अयोध्या के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान अपनी पोस्ट पर बंदूक के साथ मुस्तैद नजर आया। शहर में दाखिल होने वाली सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी दिखी और एक बैरिकेड के ऊपर तो कंटीले तार बिछे नजर आए। इस तरह की सुरक्षा अयोध्या के कोने कोने में की गई। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद वहां की सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वहां कुछ नेता और साधु संत भी मौजूद रहेंगे। हालांकि हमले का अलर्ट 5 अगस्त का नहीं है, लेकिन अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा चौकन्नी हो गई। असल में खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी अयोध्या को निशाना बना सकते हैं और 15 अगस्त को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने वहां हमले की साजिश रची। बताया गया कि ये आतंकी अयोध्या के अलावा भी कुछ धर्म स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में है, इसलिए अयोध्या समेत उन सभी जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। खबर है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के लिए तैयार की गई योजना को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत 1 अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल और जिम को शर्तों के साथ खोलने पर विचार किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ हुई बैठक में सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार चाहती है कि शुरुआत में 25% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल खुलें और नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का दायरा भी बढ़ सकता है। हालांकि स्कूल और मेट्रो शुरू करने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के शिकागो में चुनिंदा दर्शकों की मौजूदगी में बेसबॉल के मैच खेले गए। कोरोना के खतरे के बीच वहां मैच तो हो रहे हैं लेकिन दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इन दर्शकों ने स्टेडियम के आसपास की इमारतों पर चढ़कर मैच देखा। इसके लिए इमारतों की छतों पर बैठने के इंतजाम किए गए। हालांकि वहां भी सिर्फ 20% दर्शकों को आने की ही इजाजत थी, जिसके लिए उन्हें काफी महंगे टिकट खरीदने पड़े। I definitely feel sad that the stands are empty, but I still really enjoy the fact that I can go to the game. कई लोग तो इमारतों की बालकनी में खड़े होकर भी मैच देखते नजर आए। स्टेडियम के बाहर से मैच देख रहे इन लोगों को भी एक दूसरे से काफी दूरी पर बैठाया गया। इसके अलावा उनसे दूसरे नियमों का भी पालन करवाया गया। दिल्ली दंगों के लिए दिल्ली पुलिस ने जिन वकीलों को अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए उतारा है, उस पैनल को केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार की दलील ये है कि दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल कैबिनेट के मुताबिक क्रिमिनल जस्टिस का मूल सिद्धांत है कि जांच पूरी तरह से अभियोजन से स्वतंत्र होनी चाहिए। पूरे देश और दुनिया में यह सिद्धांत सबसे अहम माना जाता है और इसका उल्लंघन दिल्ली में नहीं होने देंगे। दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की संख्या घटने के बाद कोविड केयर सेंटरों में बेड खाली होने लगे। एक्टिव मरीजों की संख्या के लिहाज से जो दिल्ली 1.5 महीने पहले पूरे देश में दूसरे नंबर पर थी, वो कोरोना के नए मामलों में गिरावट और रिकवरी रेट ज्यादा होने की वजह से आज 10वें नंबर पर आ गई।
और इसीलिए दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर या तो बिल्कुल खाली हो गए हैं या फिर वहां मरीजों की संख्या बेहद कम हो चुकी है। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल LNJP से अटैच किए गए कोविड केयर सेंटर से सामने आई तस्वीर में तो वहां एक भी मरीज दिखाई नहीं दिया। दिल्ली में एक महीना पहले तक जहां बेड्स की किल्लत थी, अब हालात में बदलाव देखने को मिल रहा है। जितने भी बेड्स हैं सभी आपको यहां पर खाली नजर आएंगे। LNJP अस्पताल से बढ़ते कोरोना मरीजों का बोझ कम करने के लिए पास के एक बैंक्वेट हॉल को इस कोविड केयर सेंटर में बदला गया था, लेकिन पिछले 10-12 दिनों में यहां कोई नया मरीज भर्ती नहीं हुआ है। LNJP में 1200-1500 मरीज तक भर्ती होते थे और 50-60 के आसपास तक मरीज एक समय था यहां पर थे। ऐसा ही हाल नरेला के कोविड केयर सेंटर का भी है, जहां 10 जुलाई से कोरोना का कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ है। 1800 बेड वाले इस सेंटर में फिलहाल सिर्फ विदेश से लौटे भारतीय ही क्वारंटीन है। तकरीबन 1200 के करीब पॉजिटिव पेशेंट्स रहे हैं एट ए टाइम, आज एक भी पेशेंट वहां नहीं है। वहीं छतरपुर में 10,000 बेड वाले देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में भी कई बेड खाली नजर आए। अब तक यहां 670 मरीज ही भर्ती हुए, जिनमें आज सिर्फ 356 मरीज ही बचे हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड सेंटरों पर जल्दबाजी में फैसला न लेने की बात कही। उस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी, परंतु थोड़ा दिन वेट एंड वॉच है कि हम अपने तैयारी को कम नहीं करें। भारी बारिश के सितम से जूझते हिमाचल के कांगड़ा में एक बरसाती नाले में एक आदमी सैलाब के बीच फंस गया, जिसका वीडियो सामने आया। वहां कई घंटे लगातार हुई बारिश की वजह से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद एक बरसाती नाले ने रौद्र रूप ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी भी उसमें फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। इसके बाद उसे बचाने के लिए कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नाले में उतरते दिखाई दिए। बताया गया कि काफी कोशिश के बाद बचाव दल की मदद से उसे सुरक्षित बचा लिया गया। अस्पताल में भर्ती CM शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन कैबिनेट की बैठक की। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन कैबिनेट की बैठक की और मंत्रियों को कोरोना पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कोरोना होने के बाद शिवराज अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के नरेला में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 4 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि मारे गए आदमी पर भी कई केस दर्ज हैं। अभिनेत्री कुमकुम का 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें मदर इंडिया और कोहिनूर जैसी मशहूर फिल्में भी शामिल हैं। कश्मीर में आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद बौखलाए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने गीदड़ भपकी वाला ऑडियो मैसेज जारी किया है। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाल रहे गाजी हैदर ने इस ऑडियो मैसेज में BJP के कार्यकर्ताओं, कश्मीर में काम कर रहे SPO और सुरक्षा बल को अंजाम भुगतने की गीदड़ भपकी दी है। इतना ही नहीं, बौखलाए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी गाजी हैदर ने मीडिया को भी आतंकी कार्रवाई की जद में आने की धमकी दी है। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इसी के बाद आतंकी संगठनों की इस तरह की बौखलाहट सामने आ रही है। हम इस बात से बखूबी वाकिफ है कि BJP के जितने भी वर्कर्स हैं, जो जमीनी सतह पर हमारी तहरीक के लिए रुकावट बने बैठे हैं, वो भी जरा होश के नाखून ले। वो सारे लोग जो कुछ पैसों और मफाद की खातिर कौम दुश्मन अनासिर का साथ दे रहे हैं, इनसे हम आखिरी बार कहना चाहते हैं कि हमें आप लोगों पर बहुत ही कड़ी नज़र है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर गाँव, यहाँ तक कि हर महले की अपडेट भी हमारे पास मौजूद रहती है। बस अब हम सिर्फ आप लोगों को आखिरी बार सोचने का मौका देते हैं, वरना तुम्हारा हश्र भी इबरतनाक होगा। दिल्ली के पास UP के गाजियाबाद में एक महीने से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी का सुराग नहीं मिलने से नाराज कई लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना दिया। विक्रम त्यागी पिछले महीने की 26 तारीख को अपने घर के पास से गाड़ी समेत लापता हुए थे और तब से उनका पता नहीं चल पाया। जिस बात से नाराज उनके घर वाले और बाकी कई लोग उनकी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए, जिनके जरिए यूपी पुलिस और सरकार से कुछ सवाल पूछे गए। इस तरीके से बढ़ते अपराध पर जवाबदेही किसकी, इस तरीके से पोस्टर्स के साथ यहां पर लोग बैठे हुए हैं। करीब एक महीने से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के घर वालों से मिलने के लिए JDU नेता KC त्यागी भी पहुंचे। JDU केंद्र में BJP की सहयोगी है और बिहार में भी दोनों की गठबंधन की सरकार है, लेकिन KC त्यागी ने यूपी की कानून व्यवस्था के बहाने योगी सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ी।
हम चेताने भी आए हैं और चेतावनी देने के लिए भी यहाँ आए हैं। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस लापता बिल्डर की जानकारी देने वालों को 50,000 का इनाम देने की घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगे, क्योंकि 26 जून को विक्रम त्यागी के लापता होने के एक दिन बाद उनकी गाड़ी को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेक पोस्ट पर रोका था। बताया गया कि उस वक्त गाड़ी में दो लोग सवार थे जो पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए। इसके बाद गाड़ी को मुजफ्फरनगर से ही बरामद किया गया और उसमें खून के निशान भी मिले थे, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी पुलिस को लापता बिल्डर का पता नहीं चल पाया। गुजरात के गोधरा में एटीएस ने करीब 5 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। 500 और 1000 के ये वो नोट हैं जिन्हें सरकार ने 2016 में बैन कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। अहमदाबाद एटीएस की टीम को जानकारी मिली थी कि गोधरा को मोहम्मदी सोसाइटी में कुछ लोगों के पास बैन किए जा चुके पुराने नोट हैं। इसी सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने छापेमारी की थी। पुलिस के मुताबिक ये लोग 25-35% कमीशन के साथ पुराने नोट बदलने का दावा करते थे। 4,76,81,500 की 2016 में बैन की हुई करेंसी नोट्स को जब्त किया है। उसमें मेन जो एक्यूज है इदरीश हयात जो भाग गया है, उसका बेटा जुबैर हयात और फारूक इशाक छोटा, इन दोनों को SOG पंचमहाल गोधरा की टीम ने डिटेन किया है। चीन ने अपने देश में बने एक ऐसे विमान का समंदर में सफल ट्रायल किया जो जमीन के साथ ही पानी से भी उड़ान भर सकता है और पानी पर लैंड भी कर सकता है। दावा है कि चीन का यह विमान इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, जिसका नाम है AG-600, जो अपने ट्रायल के वक्त आसमान में उड़ते हुए समंदर पर लैंड करता नजर आया। उड़ान भरने और नीचे उतरने के लिए इस विमान को जमीन की जरूरत नहीं, ये पानी को भी अपना जरिया बना सकता है। करीब 120 फीट लंबा यह विमान समंदर की लहरों पर ऐसे आगे बढ़ता नजर आया मानो कोई पानी का जहाज हो। कुछ देर तक पानी में रहने के बाद यह दोबारा आसमान में उड़ गया। दिसंबर 2017 में इस विमान का जमीन से उड़ान भरने का टेस्ट रन भी कामयाब रहा था। बताया गया कि AG-600 विमान आपदा के वक्त बचाव के काम और समंदर में खोजी अभियान में मददगार साबित होगा। रेलवे ने दावा किया है कि इस साल मालगाड़ियों की रफ्तार में बड़ा इजाफा किया गया। रेलवे के मुताबिक जुलाई तक मालगाड़ियों की रफ्तार को करीब दोगुना कर दिया गया। इस बीच मूलभूत ढांचा मजबूत करने से जुड़े 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए गए, जिनकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ सकी। पिछले साल जुलाई में मालगाड़ियों की औसत रफ्तार करीब 23 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो इस साल बढ़कर 45 किलोमीटर प्रति घंटा के पार पहुंच गई। इसका सबसे ज्यादा फायदा लॉकडाउन के समय देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अनाज पहुंचाने में हुआ। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के 4 महीनों में 2 करोड़ टन से ज्यादा अनाज की ढुलाई मालगाड़ियों से हुई, जबकि पिछले साल इन महीनों में करीब 1,16,00,000 टन अनाज की ढुलाई हुई थी। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से BEd की परीक्षा पर विचार करने की अपील की। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से BEd की परीक्षा करवाने के फैसले पर फिर विचार करने की अपील की। BEd की परीक्षा 9 अगस्त को है। प्रियंका ने बताया कि राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में परीक्षा करवाकर 4.5 लाख छात्रों को जोखिम में डालना सही नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने एक नर्स की पिटाई कर दी। इस घटना से नाराज अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा देने की मांग की। बिहार के समस्तीपुर में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां वहां पहुंची और काफी कोशिश कर आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। खबर है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड IPL की तरह लंका प्रीमियर लीग की शुरुआत कर सकता है। इस लीग का पहला सीजन 28 अगस्त से 20 सितंबर के बीच करवाने की संभावना है। लंका प्रीमियर लीग में कुल 5 टीमें हिस्सा लेंगी, साथ ही इसमें श्रीलंका के खिलाड़ियों समेत कुल 70 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 10 कोच भी हिस्सा लेंगे। 30 जुलाई को इस लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हो सकती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश और चट्टाने खिसकने की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालकर इन गांवों तक पहुंचना पड़ रहा है। ये वीडियो पिथौरागढ़ के धापा गांव का है, जहां पर कृषि विभाग का कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था।
इसी बीच चट्टान का एक हिस्सा खिसक गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में ये कर्मचारी बाल बाल बच गया। बारिश और चट्टान खिसकने की वजह से इस इलाके के ज्यादातर रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में गांव तक राहत और मदद पहुंचाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।